तो दोस्तों ये है मेरे सामने ड्रैगन ब्रिज, जिसे दुनिया दूर दूर से देखने के लिए आती है। और सैटरडे संडे को रात 9 बजे ये फायर भी निकालता है और बाद में पानी भी निकालता है, तो आज हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ड्रैगन ब्रिज बिल्कुल पास आ गया हम। अब ये हाईवे है, ये देखो ये हाईवे पे बना हुआ है। रात को 9 बजे सारी ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी और फिर इस पर जो फायर का प्रोग्राम है इस पर होगा, फिर उस समय सारी ट्रैफिक है जो रोक दी जाती है ताकि जो लोग हैं इसको एंजॉय कर सके। ये देखो दोस्तों, यह ड्रैगन ब्रिज, अभी शाम के 5 बजे हैं और यहाँ पे पूरा ट्रैफिक है। रात को 9 बजे ट्रैफिक नहीं होगा, सिर्फ लोग होंगे इसको देखने वाले। हम भी आएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे इस ब्रिज से फायर निकलती है और पानी निकलता है। दोस्तों अभी हैं वियतनाम की लोकल मार्केट में और हितेश भाई अपने लिए एयरपोर्ट देख रहे हैं। उनको 1300 रुपये मिल रहे हैं, हालांकि ये कॉपी है पर देखते हैं क्वालिटी कैसी है। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, हेलो भाई ने लगाया है, भाई आ रहा है, लग रहा है म्यूजिक। भाई कैसे एयरपोर्ट, बढ़िया है 1300 रुपये में? तो भाई साहब, भाई को आ गए हैं एयरपोर्ट पसंद, अब थोड़ा प्राइस बार्गेनिंग करेंगे। ये लगभग 1300 रुपये मांग रहे हैं, इधर का 3 लाख मांग रहे हैं, देखते हैं कितना कम करते हैं, कुछ कम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्वालिटी इनकी ठीक है, इनकी वॉइस बढ़िया है। दोस्तों हम ये अपनी एक आइसक्रीम बना रहे हैं, 40,000 रुपये लगभग, 100 रुपये से ऊपर है। अभी ये बना रहे हैं भाई साहब, 3 फ्लेवर मिक्स करेंगे। वही देखिए अभी बन रही है आइसक्रीम, हमारी आइसक्रीम बन चुकी है। तो ये हमारी आइसक्रीम। तो दोस्तों ये है ड्रैगन ब्रिज, रात को देखिए कितनी लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शाम को यहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, जैसे ही ड्रैगन ब्रिज को ओपन होने का टाइम रात के 9 बजते हैं तो ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दी जाती है ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो इसको एंजॉय कर सकें। और अभी देखिए कुछ टाइम में ये ड्रैगन ब्रिज मुंह से फायर छोड़ेगा और उसके बाद ये पानी भी छोड़ेगा। तो देखिए अभी ये फायर छोड़ने जा रहा है और लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं इसको।